हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पंजाब राज्य का रूपनगर जिला के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रूपनगर जिला पंजाब राज्य का प्रमुख व ऐतिहासिक जिला है। रूपनगर को रोपड़ जिला के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी के किनारे पर बसा यह जिला हिमाचल प्रदेश राज्य से भी मिलती है। मुस्कुराइए कि आप रूपनगर जिला से निवास करते हैं। रूपनगर जिला तहजीब और मेहमान नवाजी के लिए पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लगभग 1440 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिला की कुल आबादी 6,94,000 से भी ऊपर है। इस जिला का औसत लिंग अनुपात 913 है, यानी कि दोस्तों आबादी के अनुसार यहाँ पर प्रतिवर्ष 1,000 पुरुष पर 913 महिला जन्म लेती है। रूपनगर जिला का गाड़ी नंबर PB12 है। दोस्तों सड़क पर दौड़ती गाड़ी के नंबर प्लेट पर PB12 लिखा देख ले तो आप यह समझ जाइएगा कि हम रूपनगर जिला में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। रूपनगर जिला पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से महज 48 किलोमीटर तथा देश की राजधानी नई दिल्ली से लगभग 275 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। रूपनगर जिला अपनी सीमाएं कई अन्य जिलाओं से भी साझा करता है। रूपनगर जिला के दक्षिण पूर्व दिशा में साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिला, दक्षिण दिशा में फतेहगढ़ जिला, दक्षिण पश्चिम दिशा में लुधियाना जिला, उत्तर पश्चिम दिशा में शहीद भगत सिंह नगर जिला से घिरा हुआ है। आवागमन की बात करें तो यह जिला सड़क मार्ग व रेल मार्ग दोनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। पहला सड़क मार्ग, यह जिला सड़क मार्ग से पंजाब और देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से जाने के लिए यह जिला बस सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 44 और नेशनल हाईवे संख्या 205 गुजरती है, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। दूसरा रेल मार्ग, यह जिला रेल मार्ग से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और देश के विभिन्न शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से जाने के लिए यह जिला रेल मुहैया भी प्रदान कराता है। वैसे इस जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम रूपनगर रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन रूपनगर जिला वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान है, जिसके माध्यम से यहाँ के लोग अन्य जिलों और अन्य राज्यों में आसानी से रेल के मार्ग से जा सकते हैं। इस जिला का साक्षरता दर 83% के करीब है, यानी कि दोस्तों आबादी के अनुसार यहाँ पर 83% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों लोग शामिल है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।